हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस इन एटम्स। अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, अभी फिजिक्स नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, आईएससी वालों के लिए भी और सीबीएसई वालों के लिए भी। तो बच्चों ध्यान से आपको देखना है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो चैप्टर एटम से रिलेटेड है। इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो एनर्जी से रिलेटेड हैं, वेलोसिटी से रिलेटेड हैं और रेडियस से रिलेटेड हैं। ठीक है बच्चों, तो बने रहो और देखते रहो। सबसे पहले आप लिख लो एटम्स। एटम्स हम लोग बात करेंगे, एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के फोर्स की बात करेंगे। हमारे पास एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग। अगर हम आउटरमोस्ट एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, उस पर फोर्सेस देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। आप मान लो एटॉमिक नंबर जेड है, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड है, प्रोटॉन भी जेड होगा, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा बच्चों वो क्या होगा, जेड इंटू ई न्यूक्लियस का चार्ज है जो कि पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, हमें मालूम है। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 आप ले लो वन इलेक्ट्रॉन चार्ज, क्योंकि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वन इलेक्ट्रॉन पे, और Q2 आप ले लो न्यूक्लियस का चार्ज, वो होगा ZE। इसको यहाँ डाल देते हैं वैल्यूज, F इज इक्वल टू के ई जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यही फोर्स इसे चारों ओर घुमा रहा है। दिस फोर्स इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स mv² / r। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा उसके पास ये सेंटीपिटल फोर्स होगा। तो ये आर कट हम लोग क्या लिख सकते हैं, kZe² / r इज इक्वल टू mv², ये लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो हम लोग फोर्स की बात करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ तक आ गए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ। अब बोलोगे 2 से डिवाइड क्यों, क्योंकि मुझे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, mv² / 2 kZe² / 2 r। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, के से डिनोट कर लो। तो आप मार्क कर लो के इज इक्वल टू, हाँ के ई लिखो इसको, के ई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ये वाला के हम लोग पहले लिख चुके हैं ना, क्या होता है 1/4πE₀। तो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गया, इसको आप अलग से लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू kZe² / 2 r, ये मिला हमारे को। दिस इज दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये फार्मूला भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं बच्चों, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R, यही हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव होता है। फोर्स यानी कि वेक्टर का जब इक्वेशन होता है, फोर्स क्या है, वेक्टर है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को पॉजिटिव ही लिखना होता है। लेकिन जब हम लोग स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे, वर्क डन, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, तो नेगेटिव को नेगेटिव चार्ज हमें लिखना पड़ेगा। चार्ज नंबर 2 जो हमारे पास है वो न्यूक्लियस का चार्ज है, दैट इज जेड इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो मुझे क्या मिला, -kZe² यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, के Q1 Q2 / r, K
के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस वन, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है बच्चों, ये मिल गया मुझे। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप लोग अच्छे से मेंशन कर लो कहीं पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही काम का एक्सप्रेशन आ गया। टोटल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चे, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हमें इन तीनों को भी रिलेट करना है आपस में, कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या कोई रिलेशन है, या फिर पोटेंशियल और टोटल एनर्जी में कोई रिलेशन है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स वॉच इट आउट। हमारे पास पहले हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल को रिलेट कर लेते हैं। आप ध्यान से देखो, ये नेगेटिव में आ रहा है और ये पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, हाउ टू रिलेट दिस टू, आप काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस को देखो ध्यान से, टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ इस टू को इधर ले गया, देखो के जेड ई स्क्वायर है अपॉन आर, यह है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, इसको नाम दे दो इक्वेशन वन, इसे नाम दे दो इक्वेशन टू, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ और कोई डिफरेंस तो है नहीं, आप ऐड कर दो, ऐड वन एंड टू, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यू प्लस टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस प्लस, सेम क्वांटिटी है, माइनस प्लस ऐड होकर क्या मिलेगा, जीरो हो गया ना। सो आई कैन राइट यू इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो एक रिलेशन हमें मिल गया, ये कौन सा रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, देखो आपस में रिलेटेड है ये, ठीक है, इसको नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आएगा। तो अभी दूसरी बार में हम लोग रिलेट कर लेते हैं इन दोनों को, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी को, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी को रिलेट करने के लिए एक दो तीन, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसको हटा देता हूँ, नंबर वन की ज़रूरत नहीं है मुझे, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। नाउ हाउ टू रिलेट काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर, सिर्फ माइनस का ही तो डिफरेंस है, इनको भी ऐड कर दो, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये प्लस माइनस ऐड होके मिल गया आपको जीरो, दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो ये भी एक रिलेशन आ गया, मतलब टोटल एनर्जी में आप माइनस लगाओगे, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में माइनस लगाओगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी, या फिर माइनस आप टोटल एनर्जी में लगाओ आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, है ना, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में कोई रिलेशन है क्या, देख लो है तो, यहाँ पर मैंने टू लगा दिया और यहाँ भी टू लगा दिया, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है ये क्या है, टोटल एनर्जी तो है, देखो मिल गया मुझे, तो U को मैं लिखूंगा इस पूरे की जगह टोटल एनर्जी, और ये 2 तो बाहर में लगा ही हुआ रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी,
इतने सारे रिलेशंस मुझे मिल गए हैं। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, आपको रिलेशंस का इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस फाइंड करने में। आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है काइनेटिक एनर्जी, बोला जाएगा फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको टोटल एनर्जी दे देगा, बोलेगा फाइंड काइनेटिक एनर्जी। कुछ भी आ सकता है, देखो एक दूसरे से रिलेटेड हैं सारे के सारी चीज़ें। प्लीज़ मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने एनर्जी फाइंड कर ली है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर। ठीक है, टोटल एनर्जी। इसमें एक टर्म और है जो हमें करना, ये है कि हाउ टू फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकेंड ऑर्बिट हो सकता है। देखो एनर्जी हमेशा एसोसिएटेड होता है विद द ऑर्बिट। ऑर्बिट वन की एनर्जी कुछ और होगी, ऑर्बिट टू की एनर्जी कुछ और होगी, ऑर्बिट थ्री की एनर्जी कुछ और होगी। तो हम जनरल बात करें कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, फाइंड करके देखते हैं। तो आप टॉपिक लिख लो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो बाकी सब चीज़ें मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो जब एनर्जी की बात करेंगे तो हम लोग को nth ऑर्बिट को इन्वॉल्व करने के लिए बोर्स के हमारे को एक थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बोर्स थ्योरम। बोर्स थ्योरम ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन एम वी आर ये हो जाएगा nh बाई टू पाई। ठीक है, ये बोर्स थ्योरी का फंडा है भैया कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, nh बाई टू पाई। n है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अगर n वन लेते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंड लेवल। n टू लेते हैं यानी कि ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इजिकल टू थ्री भी ले सकते हैं, फोर भी ले सकते हैं एंड सो ऑन। h यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी हम लोग हेल्प लेने वाले हैं। ध्यान से देखना है बच्चों, हम लोगों ने अभी अभी लिखा था k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल वाला फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर लिखा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या मिलता है। के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग आर आर को उठा लेते हैं तो क्या मिलेगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। दिस इज द रेडियस, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, दिस इज द रेडियस। इस रेडियस को मैं यहाँ रखूँगा, रिप्लेस करूँगा तो मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा यहाँ पे। दिस इज एम इन टू वी, आर की जगह हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, दिस इज एन एच बाई टू पाई। ठीक है, एम और एम भी कटेंगे, वी और वी यहाँ से हट जाएगा। के जेड ई स्क्वायर बाई वी इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, बहुत ही सिंपल आ गया। तो वी वी मुझे क्या मिल जाएगा, टू पाई इधर एन एच इधर, के टू पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, है ना। के कांस्टेंट है, टू पाई कांस्टेंट है, ई स्क्वायर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, n कांस्टेंट नहीं है, z कांस्टेंट नहीं है, ये हर एक एटम के लिए अलग अलग होगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो वी कैन से वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एटॉमिक नंबर और n। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, इस इन्फॉर्मेशन का भी आगे बहुत यूज़ होने वाला है। ये v आ गया, इस v को आप वापस यहाँ डाल दो तो आपको आर मिलने वाला है, रेडियस इन टर्म्स ऑफ ऑल दोज क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ, इसे आप हटा दो। वी जेड अपॉन एन, यहाँ पर आर आपको मिल जाएगा, सॉरी वी वी हमारे पास था, V इज इक्वल टू
के इंटू टू पाई जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, ये वी था ना, इस वी को मैं यहाँ उठा के रिप्लेस करने वाला हूँ, तो मुझे मिल जाएगा एम, वी की जगह के टू पाई ई स्क्वायर अपॉन एन एच इंटू आर, दिस इज एन एच बाई टू पाई। इसको मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, आर के लिए सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन एच इधर चला जाएगा, सो आर आई एम गेटिंग एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम के फोर पाई स्क्वायर ई स्क्वायर, और जेड यहाँ पे जेड भी आएगा, ये वाला जेड मैं छूट गया था, यहाँ पे जेड भी आएगा, जेड ई स्क्वायर। तो ये जेड हो जाएगा ऐसे नीचे, ठीक है। यहाँ पर एन स्क्वायर और जेड को छोड़ के सब कांस्टेंट है बेटे, सारे कांस्टेंट है, सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। ये दोनों मुझे मिल गया, वी का रिलेशनशिप, आर का रिलेशनशिप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने टोटल जो एनर्जी फाइंड किया हुआ है ना, उसमें आर वाला एक्सप्रेशन मैं डालने वाला हूँ, तो मेरे को मिल जाएगा जो मुझे चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट, ठीक। वो कैसे आएगा? आर का जो ये वाला एक्सप्रेशन है मैं यहाँ डालने वाला हूँ, आप भी डाल के देख सकते हो, आ जाएगा, बहुत ही ईजी आएगा, देखने में बड़ा लग रहा है, घबराना नहीं है, ईजी होने वाला है। प्लीज़ मेक ए नोट, चलो 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 डाल दिया जाए वैल्यूज़, इसको हटा देते हैं, और अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सॉरी इसका इस्तेमाल करेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है ये, मैं इसको ई एन लिख रहा हूँ, एनर्जी इन एनथ ऑर्बिट, ई एन इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर, आर ये पूरा उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, दैट मीन्स एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम के फोर पाई स्क्वायर ई स्क्वायर जेड, ठीक है। तो ये जेड ऊपर चला जाएगा, जेड स्क्वायर बन जाएगा, माइनस के जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ऊपर चल के ई फोर बन जाएगा, और के ऊपर चल के स्क्वायर हो जाएगा, फोर फोर हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये मुझे मिला बच्चों, ठीक है, ये मिल गया। अब हमें देखना है कि एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है। यहाँ पे के की वैल्यू हमें मालूम है, 9×10⁻⁹, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है, 4π² कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे मालूम है, तो मुझे जो मिलने वाला है वो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन nth ऑर्बिट माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिला है बच्चों मुझे, ठीक है, यही तो इलेक्ट्रॉन, यही तो मुझे एनर्जी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन nth ऑर्बिट N1 ग्राउंड स्टेट, N2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, Z1 होता है, Z की जगह मैं 1 डाल दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, Z1 है माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिस वन, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, अगर मैं यहाँ 2 डाल दूँ तो मुझे हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी फाइंड करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। फिलहाल आप ये लिख लो, सारे एक्सप्रेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, खासकर एनर्जी वेलोसिटी और रेडियस वाले, ठीक है बच्चों। प्लीज़ 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 मेक ए नोट।